नमस्कार। फैक्ट फोल्ड के लिए मैं किसले। चुनाव, आम चुनाव 2019 लगभग समापन पर है, पोलिंग हो चुकी है, लेकिन आज हम बात चुनाव के आपाधापी पर नहीं करेंगे। आज हमारी बातचीत होगी एक खास व्यक्तित्व से, जिसने इस चुनावी आपाधापी में खुद को एक हिस्सेदार बनाया और आपको वो अपना अनुभव बताने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा। डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा के बारे में बहुत कुछ पहले हम बता चुके हैं हमारे पिछले अंकों में। डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा डॉक्टर रामदयाल मुंडा की भगिनी, भैया राम मुंडा बहुत पुराने और बहुत नामी राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, उनकी पोती है। डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा की खास बात यह है कि यह सामाजिक, इस कम उम्र में सामाजिक कार्यों के अलावा आदिवासी मुद्दों पर इन्होंने हमेशा फोकस किया। अब आपको बताऊं कि एक दर्जन बार यूएनओ जा चुकी है, वहां पर इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है आदिवासी मुद्दों पर। और अब हम प्रसंग की बात करते हैं, खासकर 2019 में खूंटी विधानसभा जो रिजर्व सीट है ट्राइबल कमिटी के लिए, उससे वह चुनाव लड़ चुकी हैं, मतलब उन्होंने इस चुनाव में भागीदारी की। शुरुआत में बातचीत हम लोगों ने चर्चा सुनी थी कि वो कांग्रेस की ओर से उनको टिकट मिलने वाला है, जो भी कारण रहा हो, कांग्रेस से कोई और प्रत्याशी रहे और डॉक्टर मुंडा, डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इस चुनाव में शामिल हुई। दरअसल हमारा डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा से बातचीत करने का खास मकसद, मूल मकसद यह है कि एक युवा, एक आदिवासी युवा झारखंड जैसे प्रदेश में, और चुनाव के बारे में आप सभी जानते हैं आज किस तरह से चुनाव हो रहे हैं देश भर में, कि जिस ढंग से चुनाव हुए, डॉक्टर मुंडा का अनुभव एक युवा झारखंडी के रूप में चुनाव में सीधी भागीदारी कैसा अनुभव था, आज हम बात करेंगे डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा से। डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा, आपका स्वागत है। धन्यवाद। फैक्ट फोल्ड के लिए जो है। दरअसल मीनाक्षी जी, मेरे पास सवाल तो बहुत है, बहुत ढेर सारे सवाल है, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ खासकर हमारे वैसे दर्शकों के लिए जो युवा हैं, जो झारखंडी युवा हैं, उनके बारे में। उनको कई बार ये भ्रम होता है कि क्या हम वाकई, क्या राजनीतिक प्रक्रिया में हमारी हिस्सेदारी हो सकती है, वो पिछड़ जाते हैं, वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं या छुप जाते हैं, अपने में एक संकोच की भावना बहुत ज्यादा है। और आप एक महिला होकर, एक बहुत कम उम्र की युवा होकर, और आपने ये साहस किया, क्या वाकई आपकी राजनीति में शुरू से रुचि रही है? बहुत दिलचस्प सवाल है इसले जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। मेरी राजनीति में कभी भी दिलचस्पी नहीं रही। ये बिल्कुल कहना चाहिए यू टर्न रहा मेरी जिंदगी का, क्योंकि इससे पहले मैं अपने ही दायरे में बड़ा खुश थी, बड़ी खुश हूँ अभी भी। ऐसी बात नहीं है कि अगर इसमें करियर मेरा नहीं बनता या फिर शुरुआत नहीं होती है तो मैं अपने लाइन से पीछे हट जाऊंगी, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। हाँ, कॉलेज के टाइम से ही हम लोग छोटे छोटे काम करके, वॉलेंटियरिंग बेसिस पे ही काम करके अपने एरिया में जाना,
एंथ्रोपोलॉजी रहा मेरा सब्जेक्ट, एंथ्रोपोलॉजी रहा, अच्छा इंटरेस्टिंग। तो वहाँ तो समाज के बीच में जब तक आप अपना रैपोर नहीं एस्टैब्लिश करते हैं, जाते नहीं है, बात नहीं करते हैं, तो आपकी आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो इसमें मेरा कहना चाहिए कि जो आपने यूएन कहा, काफी मुद्दे हमने रखे वहां पे और उम्मीद की कि उन मुद्दों ऐसे ही मुद्दे वहां जाते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेवल पे। उसमें मुख्य मुद्दा क्या था आपका? मेरा मुख्य मुद्दा था कि यहाँ पहला तो था कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। ये झारखंड में नहीं हुआ अभी तक, कहना चाहिए पूरा पूरी 2005 में रखा था। जब पेशा की बात आई तो भी पेशा का भी पेशा पेशा अधिनियम जो खासकर आदिवासी इलाकों के लिए जो जी जी। फिर उसके बाद पांचवी अनुसूचित क्षेत्र की बात रखी जो कि अभी तक झारखंड में पूरी ढंग से कागजी ही है, जमीनी स्तर पर उसके लागू नहीं किया गया है। उसका काम जो होना चाहिए, जितने बेनिफिट्स होने चाहिए वो अभी तक लोगों को नहीं मिल रहा है, जो कि अब लोग अवेयर हो गए हैं और चाहते हैं कि सिक्स शेड्यूल एरियाज में है जो फैसिलिटीज वो यहाँ पे होना चाहिए। और हमारा दुर्भाग्य है कि आप जमीन का मुद्दा देखिए, लोग यहाँ दूसरे जमीन नहीं खरीद सकते, बहुत बड़ा मामला है ये। और नौकरी का मामला है तो सब अपने ही घर से बेघर होते जा रहे हैं, वो खनिज का मामला रहे चाहे जमीन का मामला रहे चाहे नौकरी का मामला, भाषा बोली संस्कृति सब जमीन से जुड़ा हुआ है अगर आदिवासी के मामले में अगर देखते हैं तो। तो जब यहाँ से उखड़ने लगते हैं लोग तो दर्द मन में रहता ही है। तो ये सभी मामलों को यूएन में रखने के बावजूद काफी लंबा रहा। अच्छा, उन मामलों को आपने प्रयास किया यूएन के मार्फत उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, साल होने के बाद भी नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं लगा कि शायद एक दरवाजा एक डेमोक्रेसी का ये भी है। राजनीतिक पावर आपको जब तक नहीं मिलता, लोग बोलते थे कि आपको इस लाइन में आना होगा, लेकिन हमेशा नकारते। 2014 में भी काफी साथियों ने कहा कि आप आगे। अच्छा, 2014 में भी जी बोला। अच्छा, गांव से चुनाव लड़ी करते थे कि आप खड़े होइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन कभी इंटरेस्ट रहा नहीं। तो फिर मतलब हम शायद इस क्षेत्र से ही काफी कुछ कर सकते हैं वॉलंटियरिंग, कि नहीं हुआ तो फिर। अच्छा, इस बार आप लोगों ने काफी धक्का दिया गया। आपका पारिवारिक एक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा समझ लूं जी। ये आपका एक छोटा सा परिवार भी है जी। दो बच्चे हैं आपके, हस्बैंड भी खासकर एजुकेशनिस्ट हैं, है ना। इसके बावजूद एक हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा है या जो झारखंडी परंपरा है उसमें महिलाओं पर बहुत बोझ होता है, और उसके बाद भी लोकसभा चुनाव मतलब 6 कंस्टिट्यूएंसी है उसमें। सोचिए 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपके पास में क्या क्या है, खरसावा है, तमार है, तोरपा है, कोटी है, कोलेबीरा, सिमडेगा, 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और उसमें काम करना ये आसान नहीं होता है एक युवा के लिए, एक महिला, एक यूथ, एक युवती के लिए काम करना आसान तो नहीं था। अब कितना मुश्किल हुआ आपको, क्या और क्या इन मुश्किलों को कैसे आपने संभाला? शुरुआत में तो काफी फोन में आए कि क्या कर रहे हो। जब फाइनल लोगों ने देखा कि नाम आ रहा है तब हमारे शुभचिंतक, कहना चाहिए, जो काफी चिंतित हो रहे थे, वो बोले कि आप महिला हैं। पहला कॉल आया था एक फोन पे, बोला कि आप महिला हैं, मुश्किलें होंगी, बच्चे भी हैं। अब वो डराने के लिए था या कहना चाहिए जो भी था मामला, कि ऐसा नहीं होता है। दूसरा आया सवाल कि बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं, वाकई ये सवाल तो था ही, बहुत बड़ा है कि आपके पास, ये शुरू से था ये कॉन्सेप्ट। आप जो बोल रहे ना कि युवा और आदिवासी वर्ग का लोग, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे लोगों में लीडर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये 2-3 सवाल जो है वो इतना ज्यादा आपको घेरे रहता है कि आप कैसे कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ये तो बात वही हो गई कि आप तालाब में कूदे नहीं है लेकिन आप हाथ पांव मार करके आप सोच रहे हैं कि निकल जाए। तो मेरे पास भी आ रहा था कि पैसा, क्योंकि बोला गया था 70-80 लाख तो कुछ नहीं होता, पंचायत का चुनाव होता है उसमें 70-80 लाख क्या का होता है उसमें इतने लग जाते हैं, 40 लाख लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। दो, एक तो आप महिला है,
दूसरा ये पैसे कहाँ से आएंगे इतने, फिर अगर आप इंडिपेंडेंट आप खड़े हो रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंट के पास में कौन स्पॉन्सर कौन करेगा, तीसरा बात था कि हम किसी से ऑब्लिगेशन लेना नहीं चाहते, ऑब्लिगेशन नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते थे कि किसी बिजनेसमैन से नहीं लेना है कि आपके बाद उनके पास उनका रिमोट हो हमारा, ये तो ये मुश्किल, इस मुश्किल का हल क्या निकाला आपने? हल तो यही रहा कि काफी जो हमारे साथ दिए सभी वॉलंटियर बेसिस पे थे और मैक्सिमम 90% निशुल्क निशुल्क सेवा जिसको कहते हैं, मैंने बस खाना खिलाया। अच्छा खाना खिलाया और हाँ गाड़ियों का तो इंतजाम था। आपने अभी, अभी बातचीत हो रही थी आपसे, आपने एक जो बड़ा अच्छी बात आपने बताई कि आपके पास वह लोग भी आए जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का एक्सपीरियंस कर चुके हैं जी। और उनका मन वहां से थक चुका था, उनको लग रहा था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ी बड़ी पार्टीज है वो नहीं कर पाई, वो आपके साथ आ गए जी, है ना? हाँ। तो वो एक्सपीरियंस भी आप हमें बताइए। शुरू में तो काफी कम लोग थे और लगता था कि इतने कम लोगों में कैसे होगा। अच्छा। मतलब जब लगा कि चलो शायद हमारा मकसद यहाँ है एक मिथ को तोड़ना कि चुनाव एक हवा नहीं है, आप बिना पैसे का भी अगर आपने काम किया है तो आप अपने काम से लोगों का मन जीत सकते हैं। और लोगों का जो ये बोल रहे हैं ना बदलाव लोग चाहते हैं, अब लोग आपका रिपोर्ट कार्ड भी देखना चाहते हैं। तो हम लोग जब भी जाते थे और हमारे साथ वैसे लोग आए जो कि दूसरी पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनके साथ वो लोग काम कर चुके, और जब वोटिंग के पहले दूसरे दिन ही उनके पास भी फोन आया कि कहाँ हो, क्योंकि उनको पता था कि इनके इसके अंडर में इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो लोग उनको फिर से बुला रहे थे। लेकिन जो विश्वास बना रहना चाहिए ये शायद कहीं ना कहीं खो दिया तब उन्होंने, इसलिए वो लगा कि मालूम था कि गारंटी नहीं है यहाँ, क्योंकि बिल्कुल नया कैंडिडेट है, बस इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का कितना क्या होता है ये मालूम नहीं रहता है सभी, इसलिए पीछे तो डांट ही रहे कि क्यों ऐसे कर लियो, ये गलत कदम था, अच्छा नहीं था ठीक। बावजूद लोग आए और मैक्सिमम युवा आए और बहुत इंटीरियर एरियाज में तो 70+ लोगों ने भी बोला कि हम लोग साथ हैं। 70+ लोगों ने भी कहा आपको? बावजूद मतलब अच्छा बुरा सब तरह का एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ में, हमने बहुत तामझाम के साथ शुरुआत नहीं किया, बिल्कुल हाँ, बहुत ही गुपचुप तरीके से ही लगा, बहुत चर्चा नहीं हम लोगों ने, फेसबुक में भी बहुत कम शेयर किया आपने, उसके बावजूद भी कई बार तस्वीरें जो मुझे सोशल मीडिया के मार्फत रेयर जो तस्वीरें मिली उसमें लगा कि आप लोग बहुत अंदर तक गए, आपकी टीम बहुत अंदर तक गई, वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा आप तो जो रिमोट कहेंगे जहाँ काफी दूरस्थ इलाके जहाँ थोड़ा जाना मुश्किल है जी। इसलिए जी रास्ते जहाँ बने रहते हैं वहाँ तो सभी पहुंच जाते हैं, जहाँ रास्ता नहीं वहाँ जाना भी मजा अलग है, और उनसे बात करना जहाँ कह रहे थे कि फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट जहाँ पहुंच नहीं पा रहा है उनसे एक्सपीरियंस लेना कि यहाँ प्रॉब्लम अगर हुई है तो कहाँ रहे, आप शेड्यूल ट्राइब आप भी हैं, शेड्यूल ट्राइब पेरिफेरी में जो रह रहा है शहर के बीचों बीच किनारे वो भी वही, दोनों का स्टेटस तो सेम है लेकिन डिफरेंस क्यों है? पानी जहाँ पे पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पाया है, पानी बिजली जहाँ एक्चुअली होनी चाहिए वहां पे बिजली नहीं है। अच्छा। और चेक डैम जहाँ होना चाहिए वहां नहीं है, डोबा जहाँ तहाँ बना हुआ है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं अभी भी और लोग नहीं पहुंच रहे हैं। और राजनीति में आने के बाद एक बड़ा तोहमत कहना चाहिए लग जाता है कि लोग चुनाव के समय में तो आते हैं उसके बाद नजर नहीं आते, ये डायलॉग हर दूसरी जगह में हम लोग खुद दिया करते थे तो भारत में है जी। तो हम लोगों ने बड़ा अच्छा से उसको सभी रात में शाम को सभी लौटने के बाद क्योंकि अलग अलग एरियाज में सभी जाते थे, आने के बाद एक बार इवैल्यूएशन हम लोग मीटिंग हम लोग करते थे जी। अच्छा। बैठते थे कि सबका एक्सपीरियंस कैसा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि हमारे साथ ऐसे लोग थे जो कि सेकंड लाइन खड़ा होने जैसा ही कह सकते हैं कि ट्रेनिंग हो रही है, हमारे साथ कोई भी एक्सपीरियंस्ड आदमी नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। सभी गिरते पड़ते अपने आप सीख रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि देखिए ये यहाँ हम आज डिस्कस नहीं करेंगे आपकी उपलब्धि क्या है, रिजल्ट क्या आएंगे, उन सब से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा सिंपल सा मतलब ये है कि आपने प्रयास क्या किया, आपके हर्डल्स कौन थे और उनको आपने कैसे सुलझाने की कोशिश की। अभी आप जो कह रही थी आपके साथ जो युवा थे
उन युवाओं के पास में वो कभी सेकेंड लाइन थर्ड लाइन हुआ करते होंगे और बहुत थोड़ा सा उनके पास एक्सपीरियंस था, उसके आधार पर आप स्ट्रेटजी बनाती होंगी, काम करती होंगी। हमको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में आप बताइए जो आपको वाकई आपके लिए संघर्ष जैसी स्थिति बनी, जहां लगा ये एक ऐसा हर्डल है, एक ऐसी बाधा है जिसको पार किए बिना हम हट भी नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते हैं, और आपको आपने उसको सुलझाया, ऐसा कोई छोटा एक्सपीरियंस? जैसे मैंने अभी कहा कि लोग बोलते हैं कि चुनावी दौर के समय ही लोग आते हैं। दूसरा, ये जो पैसे का खेल, ये सबसे बड़ा हर्डल मुझे लगा, क्योंकि लोगों को आदत किसी किसी एरिया पे, जहाँ पे लिकर प्रॉब्लम है, लोग नशा पान कर रहे हैं, वैसे जगह पे पैसा जो बहता है तो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दूसरा, ईवीएम मशीन की ट्रेनिंग नहीं, इंटीरियर एरियाज में लोगों ने ट्रेनिंग दिया ही नहीं, लोग चाहते हुए भी होता है ना कि जिस कैंडिडेट को देना चाह रहे हैं उसे भी नहीं, बस नाम के लिए खाना पूर्ति, बस आप जाओ कोई से भी बटन दबाओ अच्छा और आ जाओ। अच्छा। क्योंकि वो खुद बोल रहे थे कि हमें एकदम जल्दी करो का एक डांटते रहते हैं, डराते रहते हैं। अच्छा, वो जो मैनेज करने आते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं कि आप देरी नहीं करना है, आप देख नहीं सकते 7 सेकंड 8 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। एक तो ट्रेनिंग नहीं होती, एक मशीन है, कभी देखा नहीं है लोगों ने, कोई बटन पे छोड़ करके कोई जो सिंबल है उसको देख रहा है, कोई क्रमांक को देख रहा है, तो ये बहुत मुश्किल आई उसमें भी कि लोगों को ट्रेनिंग तो होनी चाहिए थी। तीसरा, शर्मिंदगी यही हो रही थी कि क्या करूं, अभी तक जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अब एरिया बड़ा है, तो उसमें यही लगता था कि हम लोग अपने हिसाब से सॉल्यूशन ये दिए उस शर्मिंदगी का। बोले कि ये घोषणा पर जितने लोग आते हैं, कोई भी पार्टी आए, आप इसको अच्छे से रखिए, ये पैम्पलेट को फेंकना नहीं। अच्छा, आपका वो पैम्पलेट था, घोषणा पत्र? हाँ, घोषणा पत्र था। तो हम लोग बोले कि इसको आप दीवार पे कहीं चिपका करके रखिए, जीतना हारना अलग बात है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि है तो आप उस पैम्पलेट में जो भी घोषणाएं हैं, आपसे जितना हो सकता है वो आप कीजिए, अगर दो भी उसमें से कंप्लीट होता है तो आप उसमें बोलिए कि ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, मतलब ये फ्यूचर के लिए, आपने फ्यूचर के लिए है, आप इसको बोलिए कि मैंने ये काम किया। बहुत बड़ी बात है कि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, रूरल इलाका हमारा कितना पढ़ा लिखा है ये हम सब जानते हैं, कितने गैजेट्स के साथ में उनका पहले अनुभव है वो भी हम लोग जानते हैं, बहुत खराब स्थिति है, और उस पर से ईवीएम जो इतना महत्वपूर्ण है इस लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, उसमें आप अभी तक ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं मतदाता को, आपने जो बताया, क्या ये कहां पर खामी कहां पर लगती है, क्या खामी क्या है इसमें? एक तो जागरूकता ही मेरे ख्याल से बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि अभी लोगों को वोटिंग का इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आया है कि वोट क्यों देना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने तो उसको वोट दिया लेकिन वो नहीं जीता, जीता भी तो वापस नहीं आया, आया भी तो काम नहीं किया। ये बहुत सारा काम बात है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारा नहीं हो जाता है, फिर वो किसी और के साथ में ज्यादा दिखता है या फिर हमसे दूर हो जाता है, ये बहुत बड़ा गैप है। जबकि जनप्रतिनिधि मतलब आपके साथ जो साथ बैठ सके, यहाँ वो डायस चेयर कुर्सी नहीं, चटाई है तो चटाई के साथ में आपके साथ में बैठ सके, एक सोसाइटी ये चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है। और चूंकि ये शेड्यूल एरिया है, ट्राइबल बेल्ट है, और अगर हमारा नेता या फिर जनप्रतिनिधि वैसा अगर होता है जो कि इन दूरियों को बांट करके साथ में उठ बैठ जाए, तो ये जो होता है ना स्टार प्रचारक जो आते हैं, तामझाम रैली, जरूरत नहीं है इसकी, झंडे, अच्छा, बैनर, पोस्टर, बड़े बड़े, कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। ये आपका मन अगर जीत गया है लोग, तो आपका रिपोर्ट कार्ड देखेगा कि आपने कितना काम किया और उसके बेसिस पे ही आपको वोट मिलना चाहिए। तो हम लोग भी जब जाते थे तो हमारा कोई भी वॉलंटियर ये नहीं बोलता था कि आप इन्हें वोट दें, चर्चा करते थे। अच्छा। वोटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है,
क्यों देना चाहिए वोट ये, फिर उसके बाद आप खुले में चर्चा कीजिए, उनको उतने ही में सवाल तक छोड़ देते थे, आप लोग डिसाइड कीजिए, हम नहीं वोट मांगेंगे। अच्छा। मेरे साथ में कभी माइक भी नहीं रहता था, ना अच्छा, होते अच्छा, थे अच्छा, ना कोई कुछ था नहीं, 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 अच्छा, नहीं, अच्छा, अच्छा, कभी नहीं। बस 3 दिन तक, क्योंकि समय बहुत कम था, सिर्फ 10 से 11 दिन ही हमें। आपकी बातचीत से तो ये लग रहा है कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से नहीं, बल्कि एक इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव जैसा आप काम कर रहे थे कि वाकई हमारा लोकतंत्र कैसा है और हमारे हमारे मतदाताओं को कितना जागरूक और कैसे जागरूक होना चाहिए। हमें लगता है ये बड़ा बड़ी बात है। तो हम उसी उसी पर बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आपके पास में झंडा बैनर नहीं है, आपके पास में बहुत बड़ा वो कार्यकर्ताओं का रेला नहीं है, रैली नहीं है, कितना खर्च हुआ आपका? ये बहुत ये पहला जब ऑडिट हुआ था तो जब हमने दिखाया अपना लेखा जोखा, तब बोले नॉमिनेशंस के टेबल के उस तरफ में जितने लोग ऑफिसर थे, बोले नॉमिनेशन में कुछ भी खर्चा नहीं होता। नॉमिनेशन में क्यों खर्चा होगा, क्यों शो ऑफ करना? और आज तक का रिकॉर्ड रहा है कभी भी रैली वोट बैंक में नहीं कन्वर्ट होती है, ये एनालिसिस किया हुआ एनालिसिस है। तो भीड़ कभी भी आपको वोट बैंक में नहीं हो जाती है, तो फिर आप व्यर्थ फिजूल खर्ची क्यों अच्छा। करना? तो हमारा कोई एक्सपेंडिचर नहीं था, चुपचाप से आए, नॉमिनेशन फाइल किया, सेम नहीं उस दिन नहीं किया जिस दिन हमारे दो बड़े नेतागण थे उनके नॉमिनेशन के दिन तो फाइल किया था, लास्ट डे नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन कोई तामझाम नहीं। उसके बाद आगे भी कोई तामझाम नहीं था, कोई रेला वाला नहीं, तो लोग थोड़ा मजाकिया सेंस में कहते भी थे कि पता ही नहीं चल रहा है, फिर मीडिया वाले भी बोलते थे मैडम आपका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मतलब पता, यहाँ पता चला कि क्या करना है, आपको पता चला कि क्या करना है, हमें पता है हम जहाँ जा रहे हैं वहां पे ना नेटवर्क रहता है ना हम लाइव शेयर कर सकते हैं। तो बहुत बार होता था कि हम मीडिया से पूछा जाता था किस दौर में है, तो हम लोग का नेटवर्क ही नहीं रहता था, तो हम लोग बोल भी नहीं पाते थे कि हम किस एरिया में। तो वहां उस जगह पे जाना वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस था, सीधा सीधी बातचीत। अब मतदाता के साथ जहाँ लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, खासकर आपका इलाका तो काफी दुर्गम इलाका है, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ वाकई पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। हम लोग रात काफी देर तक रात, और सबसे चैलेंजिंग रहा था पत्थलगढ़ी एरिया। हाँ वो तो चैलेंजिंग था बिल्कुल। कहते हैं कि उसको एक टेरिफाइड कर दिया गया, टेरर जोन बना दिया गया, टेरर जोन बना दिया गया है। जबकि उस जगह पे ओपन डायलॉग होने चाहिए थे, जब ये मुद्दे उठ रहे थे तो प्रशासन को वहां पे सीधी बात करनी चाहिए थी। अगर हमारे सीएम साहब जाते सामने बात करते तो आज ये खाई जो बन चुकी है खाओ जो बन चुका है ये नहीं होता शायद, क्योंकि वो खुद भी बोलते हैं कि हमने जो बोला मीडिया ने वो नहीं लिखा। नहीं अच्छा, वो सीएम को बोलते हैं, बोलते भी हैं कि मीडिया में हमने तो ये नहीं कहा था, हमारी बात तो कुछ और हुई थी या कुछ और। तो उनसे बात करना और बिल्कुल उसको हो रहा था कि जब सिक्योरिटी में आप जा रहे हैं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ नहीं था, अपने लोगों से बात कर रहे हैं। यानी पत्थलगढ़ी मामले पर अगर प्रशासन सरकार चाहती तो इस गैप को भरा जा सकता था काफी पहले, है ना। तो उसका असर आपको दिखा कि चुनाव में असर होगा? चूंकि समय काफी कम था तो बैठ की बहुत जगह नहीं हो पाई, लेकिन हाँ कुछ एरिया में लोग पॉजिटिव रहे। अच्छा। और वो बोले कि हम अपने लोगों को समझाएंगे। अच्छा। तो भनरा के कुछ इलाकों में हम लोग बात कर पाए और वहां से लोग निकले हैं। वो खुद भी बोले कि इतने कम समय में हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अगर आप महीने दो महीने एक बात रखते पहले तो बहुत चांसेस था कि हम सपोर्ट करते। ऐसे काफी लोग उन्होंने बोला कि हम समर्थन में है, तबने हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि आदिवासी महासभा हमारे समर्थन में है, छात्र संघ हमारे समर्थन में है। तो वो किया, बात करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक चीज जो हमें लग रहा है कि जैसे आपने कहा पत्थलगढ़ी मामला और इससे भी पुराना एक इशू इस इलाके में बहुत ज्यादा है, खूंटी बहुत प्रभावित है, वो है नक्सलवाद। नक्सलवाद पर हमेशा ये चर्चा होती रही है, नक्सलवाद हमेशा जो इस विचारधारा को जो कैटलाइज करते हैं, जो उत्प्रेरित करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं बाधक रहते हैं इस हमारे लोकतंत्र के इस पर्व में या
इस कार्यक्रम में, आपने क्या महसूस किया? वास्तव में ऐसा कुछ दिखा अभी आपको, कहीं कोई बाधा नजर आई? बाधा नहीं दिखाई, कोई बाधा नहीं आई। आपके लोग तो काफी अंदर तक गए। हाँ, ना उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुआ ना। अच्छा, हम तो रात को 1:30 बजे 12 बजे लौटा करते थे, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। अद्भुत, ये अपने आप में बहुत सुखद खबर है। और नक्सली जो ये है बात, यहाँ पर भी हम चूंकि बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अच्छा यहाँ भी गैप है हमारे बीच में, बहुत बड़ा गैप है। अगर आप आपस में बात कीजिएगा तो खुद बोलते हैं कि बहुत बार फेक एनकाउंटर भी हुआ करते हो, तो खैर अब तो खबरों में भी आता ही है। तो लोग जहाँ सिक्योरिटी नहीं चाहिए वहां सिक्योरिटी है, जहाँ एक स्वतंत्र स्वच्छंद माहौल में अगर बैठा दिया जाए आपके ऊपर सिक्योरिटी, तो वो स्वतंत्र कैसे है? तो इस बात की चर्चा वो खुल करके करते हैं कि हम महसूस नहीं करते हैं अपने आप को वहां पे स्वतंत्र महसूस नहीं करते, क्योंकि हमेशा हमारे साथ में कोई आंखें देख रही है, बंदूक के साथ में देख रही है। ये कौन लोग बोलते हैं? ये गांव के लोग बोलते हैं, गांव के लोग बोलते हैं, तो विलेजर्स जो हैं, उनका उनका ये ऐसी फीलिंग है ना। तो यहाँ पर भी बात मतलब वो सुरक्षा है। देने के नाम पर उनकी असुरक्षित महसूस कर, हाँ, उन पर वो नजर रखी जा रही है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, जिससे वो अपने आप को बहुत असहज महसूस करते हैं। मुर्गियां, भेड़, बकरियां सभी असुरक्षित हो जाती हैं। अच्छा। क्योंकि वो डिमांड करते हैं कि हमें खिलाओ खिलाओ। अच्छा, ये सब वो सब कुछ चलता रहता है, चलता है, ये सब लोग बातें उठाती ही है, ये मीडिया में भी आता है ये। लेकिन ये समस्या है तो आप जब तक बात नहीं करेंगे, आप खुल करके सामने ही नहीं आएंगे, और वो हिम्मत नहीं करते। जैसे अभी वोटिंग के दिन भी कुछ कुछ एरिया में बोला गया, किर्रा में ये सुनने में आया कि जो सिक्योरिटी के थे वही बोल रहे थे कि इस पार्टी को वोट देना। अच्छा, सिक्योरिटी वाले ही बोल रहे थे। तो लोग डरते भी हैं, और वो डर वो भी था कि ईवीएम मशीन के आसपास में कहीं कैमरा लगा हुआ है, और हम अगर चाहते अच्छा। भी हुए न चाहते हुए भी अगर उसको वोट नहीं दिए तब भी लोग हमें आगे पकड़ेंगे, ये भय है। हाँ, भय है, पैसे बट रहे हैं, अगर पैसे आप नहीं लिए तो भी भय है, क्योंकि पैसे आप नहीं ले रहे, क्योंकि ये समाज का लोग अगर 5 रुपए भी लेता है तो उसको लगता है कि मैंने इसका नमक लिया, उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं। साधारण बहुत सिंपल है एकदम, आदिवासी समाज में ऊपर से ये डर की ईवीएम मशीन के आसपास में कोई कैमरा लगा हुआ है, हम जिसको देंगे वो दिख जाएगा, पता चल जाएगा। तो जागरूकता की कमी है। बहुत अच्छा, ये हमको लगता है कि हम लोग, ये तो चर्चा ऐसी है कि इसको बहुत दूर तक हम लोग बहुत लंबे समय तक इसको जारी रखेंगे, रखना चाहेंगे। लेकिन आज जो गर्मी है स्टूडियो में, जो हालत है, और हम लोग पास में संसाधन की बहुत सीमित संसाधन में काम करना पड़ता है, तो आज तो हम इस चर्चा को यहाँ खत्म कर रहे हैं। और हम आशा करेंगे कि आप दो शब्द हमारे युवाओं के लिए आप बताइए, जो आप जैसे एज ग्रुप के हैं या आपसे छोटे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जिस ढंग से आपने पार्टिसिपेशन का की बात तय की कि हम कैसे चुनाव प्रक्रिया में हम पार्टिसिपेट करेंगे, ये निर्णय जब लिया उसके पीछे कई एलिमेंट्स आपके साथ दिमाग में चल रहे होंगे, उसके बारे में थोड़ा युवाओं को बताइए कि वो कैसे उत्साहित हों और वो कैसे उन चीजों के लिए तैयार हो सके। युवाओं के लिए तो यही कहना है कि बस हम दूर से सोचते हैं कि पॉलिटिक्स डर्टी गेम है, एक दलदल है, फंस जाएंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर भी हर स्टेज पे हर किसी की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही हम निभाएंगे। जैसे युवाओं का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर में कम से कम एजुकेट करना कि कौन कैंडिडेट कैसा है, बस इतना ही काम करना है कि इनका पिछला रिकॉर्ड ऐसा था, इन्होंने ये काम किया, उस पे चर्चा करना। एक आजकल स्मार्टफोन गांव गांव में भी है, बहुत इंटीरियर में तो नेटवर्क इश्यू है, लेकिन हर युवाओं के हाथ में स्मार्टफोन है, उसमें यूट्यूब में बहुत अच्छे से दिखाया जाता है कि ईवीएम मशीन क्या होते, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे काम करता है। तो ये दूसरा, अगर कहीं पे गड़बड़ी हो रही है तो वो हम रोक सकते हैं, अब ऐप भी आ गया है कि हम तुरंत इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हाँ, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अगर लेते हैं हम, तो कुछ असंभव नहीं है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, देखिए, परखिए, जांचिए, उसके बाद आप किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि 5 साल उसके हाथों में भविष्य हमारा रहता है।
तो 5 साल में कैंडिडेट हमारी पहुंच से भी दूर नहीं होना चाहिए, हमसे बिल्कुल अलग भी नहीं होना चाहिए, हमारी बात सुने रखे, और इतना गैप भी नहीं होना चाहिए कि हम उनसे बात भी नहीं कर सके। तो ये गैप कहीं ना कहीं एक दूर होनी चाहिए, बिल्कुल आपस के लोग, कैंडिडेट नेता के बीच में इतना गैप क्यों, हमारे हमारे द्वारा ही चुना हुआ आदमी है वो, तो वो उससे हम खुल के क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बात कर सकते। बिल्कुल, आप क्वेश्चन कीजिए, सवाल सामने आए हैं तो आप सवाल पूछिए और उसका जवाब भी लेने का आपको पूरा अधिकार है। तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको निभानी पड़ेगी, वो आप सवाल कर कीजिए, आप RTI भी है, आप उसके तहत पूछिए। तो यही है। और जहां तक पैसों की बात है, अगर टीम अच्छी है, आपके साथ में वॉलंटियर है और समर्थक है, तो काम उसमें भी किया जा सकता है। सिर्फ पैसे पैसे बोलते हैं लोग, नहीं, कम पैसे, बहुत कम, लिमिटेड, आप सिंप्लिसिटी, इतना तामझाम बिल्कुल कीजिएगा, अपने हिसाब से काम कीजिए। आज बहुत बुजुर्ग देख परख करके समझ भी गए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा रहा कि लोग अंदर जब बातें करते थे कि हम लोग काफी देख लिए हैं, पैसे आते हैं हम ना नहीं कह सकते, हम पैसे नहीं लेंगे लेकिन वोट अपनी मर्जी से देंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग था। नहीं, नहीं, ये तो ये मतलब हंसी हम कंट्रोल नहीं कर पाए कि ऐसा भी बोल दिया आपने कि नहीं, बोले कि क्या करेंगे भैया, ये भी बोले कि क्या करेंगे, इतने लोग आने लगते हैं, फिर वो बकरा खसी वसी चलता है, चलता है, ऑफर करते हैं, ऑफर आएंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, आप क्या कीजिएगा। बोले लेकिन आपको वोट देते समय कोई देखता नहीं है, आप इस चीज को मानिए। अच्छा, और ये जो ये आप अपना जमीर आपको बात करके रखना होगा, अल्टीमेटली आपको कौन फायदा पहुंचाएगा। और ये मत बोलिएगा भविष्य में कि आप तो ठगे गए, क्योंकि आपका ही है, आपका खुद का किया हुआ होगा, खुद का किया हुआ है, तो इसलिए चुनना है। फूटी ऐसा जगह है जो कि बदलने की जरूरत है, और हम लोग भी सामने इसलिए आए कि बहुत ऐसा सेंटर है जहां आज तक एक अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, काफी सारे प्लेयर वहां से निकले, काफी लोग मेरिट में निकले वहां पे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। तो काफी कुछ है वहां करने, करने को हाँ, रिसोर्स काफी सही है। ये आपने बहुत सारी आपने जो इन्होंने जो बात की वो उससे एक बात तो बहुत स्पष्ट होता है कि झारखंड जो आदिवासी स्टेट के नाम पर अलग हुआ, आदिवासियों के हित में अलग हुआ, और आदिवासियों की मनोवृत्ति, उनकी मुश्किलें, उसकी समस्याएं, उसके विकास, इन मुद्दों को अगर संभाल कर एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है, एक आदर्श के तौर पर खूंटी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर आने वाले दिनों में शायद आप हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मीनाक्षी मुंडा कि टीम वहां काम करेगी, आपकी टीम वहां काम करे और विकास का काम करे। जीतना हारना दूसरी बात हो सकती है, लेकिन आप में जो एक जज्बा है, जिस तरह से आप दुनिया के प्लेटफॉर्म पर UN में बार बार इस मुद्दे को उठाती रही हैं, हमें लगता है कि वो जज्बा आपका खूंटी में भी जारी रहेगा, आपकी टीम का। और हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं, आशा है दर्शकों को भी हम शायद कुछ जानकारियां अलग से दे पाए हूं जो इस आपाधापी इस भागम भाग से अलग है। और आने वाले समय में हम कुछ ऐसे एपिसोड्स और करेंगे। आपका सहयोग समर्थन हमें मिलते रहे, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।